हेलो। हाँ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी, जो इंडस की जो वैली है उस एरिया में जो सिविलाइजेशन शुरू हुई उसको हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा है। चलिए अब इस पर डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी, कि जो इंडस वैली है इसको इंडस वैली क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसकी सेटलमेंट्स हैं, मेजॉरिटी सेटलमेंट्स, वो हमें इंडस के बैंक पे मिली हैं, चाहे वो हड़प्पा है, चाहे वो मोहनजोदाड़ो है, चाहे वो चन्हुदाड़ो है। जो मेजर सेटलमेंट्स या मेजॉरिटी सेटलमेंट्स हैं, अमरी, अलाडीनो, कोडती, जी सब इंडस और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में ही मिली हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा जो इसको नाम दिया गया है वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा कल्चर, जो आपको नज़र आ रहा है। हड़प्पा इसलिए कि जब इसकी एक्सकेवेशन शुरू गई थी 1921 में, दयाराम सानी ने शुरू किया, तो वो पहली जो सिटी थी जिसको एक्सकेवेट किया गया वो हड़प्पा थी, और इसलिए इसका नाम तब से हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ गया। तो इसको दो नाम से हम जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरा हड़प्पा या हड़प्पन कल्चर में इसको कहते हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे दो चीज़ पता होनी चाहिए कि इसको हड़प्पन कल्चर क्यों कहते हैं जब ये इंडस वैली के एरियाज़ में थी, और दूसरा 1921 में या फर्स्ट सेटलमेंट जो है या फर्स्ट साइट इंडस की वो कौन सी है जिसको एक्सकेवेट किया गया, तो वो है हड़प्पा। और किसने किया? दयाराम सानी, डी आर सानी, 1921 में। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया और इसका टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि जब हम कुछ भी स्टडी करते हैं हमें तीन चार चीज़ें पता होनी चाहिए, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हाई। इन चारों चीज़ें पे हमने हमेशा स्टडी करनी है, चाहे वो न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई बुक पढ़ें। तो यहाँ पे व्हाट क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है वो हमने डिस्कस किया, हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको कहते हैं, हड़प्पन कल्चर उसको हम कहते हैं क्यों है वो हमने डिस्कस किया। अब व्हेन, वेयर, उसका जो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, 2500 में जो ये सिविलाइजेशन थी फ्लरिश हो चुकी थी, उस लेवल तक आ चुकी थी, हम उसको हड़प्पन में काउंट करते हैं, अदरवाइज एवोल्यूशन पहले शुरू हो चुका है। 2500 BC की बात कर रहा हूँ, ना कि अब की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2000 आज और ये 2500, 4500 टोटल हो जाता है, 2500 से लेके 1500 तक, ये वो टाइम पीरियड है जब इंडिया में ये रही है। बट ये जो टाइम पीरियड 2200 to 1800 BC, ये वो टाइम पीरियड जब ये मेच्योर फेज़ में थी। ये मेच्योर फेज़ वो है जिसको हम कहते हैं कि ये प्रॉपर सिटीज़ थे, प्लान थे, जो हम फीचर डिस्कस करते हैं वो इस पीरियड के डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये डिक्लाइन होना ग्रेजुअली शुरू हो चुकी थी। इसका डिक्लाइन होकर बाद में ये हमें पता नहीं लगता कहाँ गई, कुछ लोग कहते हैं ख़त्म हो गई है, कुछ कहते हैं अभी चल रही है या कंटिन्यूटी फॉर्म में है, जो हमारा जो कल्चर है उसमें मिल चुकी है। एनी हाउ, वट एवर, उसके बाद जो इसके एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ पे, जो आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया में पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है और हरियाणा है, कुछ जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज़ हैं, तो वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। वो इसके एरियाज़ थे जहाँ पे ये हुआ करती थी। आइए अब मैप है वो हम देखते हैं कि कहाँ पे थे। आपको जो सामने नज़र आ रहा है मैप, इसमें ध्यान से देखिए ज़रा कि ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये थी, कि ये वो एरिया इंडस वैली का, कि ये रिवर इंडस आ रही है और ये इंडस का एरिया है, और ये इंडस के, ये पाकिस्तान हो गया आपका, ये पंजाब वाले एरियाज़ हो गए हैं, ये हरियाणा हो गया है, ये राजस्थान हो गया है यहाँ तक, और ये गुजरात। तो यानी कि जो हमने डिस्कस किया कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, फर्स्ट इसके एरियाज़ कौन से थे, एरियाज़ में हमने काउंट किया पाकिस्तान ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए इंडिया में, पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए और गुजरात ले लीजिए। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे एरियाज कवर करते हैं, ये प्रेजेंट हैं, अदरवाइज इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है सारे। उसके अलावा कुछ एरियाज हम यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे मांडा, तो वो भी इसमें आ जाते हैं, और एक आता है दाइमाबाद, तो वो महाराष्ट्र के पार्ट में आ जाता है। तो बट ये एरियाज तो ये जो कवर करती है। उसके अलावा यहाँ से इसको लगाइए ये पॉइंट और ये यहाँ तक,
जो इसकी शेप है इसको कहा जाता है ये ट्रायंगुलर शेप थी। उसके अलावा जो इसका एरिया है 12 लाख 99 थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर जो इसका एरिया था, और ये एरियाज ये कवर किया करती थी, राइट। उसके बाद इसका जो एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसमें हरियाणा हमने बात की तो हरियाणा ये एरिया सारे इंक्लूड करें, क्योंकि ये यमुना नदी तक हरियाणा आता है, दिस इज़ यमुना रिवर। जो हमें इसकी सेटलमेंट्स मिली, जो साइट्स मिली हैं, तो उसमें हम कौन कौन से एरियाज ले सकते हैं कि एक्सटेंट की अगर बात करूं, जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो हमें यहाँ पे मिली है यमुना के पास, उसका नाम है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आज मेरठ में है और ये यमुना के बैंक पे, ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है कि अगर मैं ऐसे एक्सटेंट बनाऊँ इसका ईस्ट, और अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो वेस्ट जो है वो यहाँ पे मिली एक साइट जिसका नाम दिया गया है इस एरिया में कि पाकिस्तान में है और ईरान के बॉर्डर के पास है, और इसका नाम है सूतका गेंडोर, SUTKAGENDOR, सूतका गेंडोर। ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है इसकी। और अब नदन मोस्ट लें अगर, नॉर्थ जो नदन मोस्ट साइट है वो है जम्मू कश्मीर में, जम्मू वाले एरिया में प्रॉपर, इधर आ जाइए यहाँ पे मांडा में, ये नदन मोस्ट साइट है जो जम्मू जम्मू में है। और जो सदर्न मोस्ट है वो इस एरिया में रिवर पे है और उसका नाम है दायमाबाद। तो ये इसकी चार साइट है। एग्जाम के पॉइंट से आपको ये पता होना चाहिए, प्री में क्वेश्चन आता है कि जो उसकी एक्सटेंट था कहाँ से कहाँ था, कि ये कौन सी साइट थी, जो ईस्टर्न मोस्ट है, कौन सी वेस्टर्न मोस्ट है, कौन सी नदर्न मोस्ट, कौन सी सदर्न मोस्ट। तो ईस्ट में आलमगीरपुर हिंडन नदी पे, वेस्ट में सूतका गेंडोर ईरान बॉर्डर पे पाकिस्तान में है, नॉर्थ में जाइए आप मांडा जम्मू में, और साउथ में आ जाइए ये दाइमाबाद। तो ये इसका एक्सटेंट था, एरिया मैंने आपको बता दिया और शेप इसकी बता दी, और लोकेशन अब आपको पता लग गया कि कहाँ पे लोग रहा करते हैं जनरली, कि यानी कि इंडस, जो मैंने आपको बताया कि इंडस वैली क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंडस रिवर है, ये सारी इंडस आ रही है इसकी ट्रिब्यूटरीज। तो जितनी आपको सेटलमेंट्स ये नज़र आ रही हैं ये सारी इंडस के पास ही नज़र आ रही हैं, कुछ यहाँ नज़र आ रही हैं, बट ये सेटलमेंट्स वो हैं जब लेटर फेजेस में आई हैं, जिसको हम कह सकते हैं पोस्ट हड़प्पन, कुछ कह लीजिए कि जब हड़प्पा डिक्लाइन हो रही है तब ये सेटलमेंट्स, तब ये सामने आती हैं। चलिए उसके आगे आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंट हमने जैसे अभी देखा कि मांडा जो मैंने आपको बताया, आलमगीरपुर, दायमाबाद और सूतका गेंडोर। फीचर्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि इसकी ऐसी वो क्या खासियत है जो इसको दूसरी चीज़ों से, दूसरी सिविलाइजेशन से, या जो बाद की हमारी सिविलाइजेशन आई है उनसे अलग करती है। जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन, इसके बारे में अब आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो इंडस वैली है इसको हम कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर अर्बनाइजेशन हुआ है सबसे पहले तो वो ये इस जगह का हुआ है, वो ये सिविलाइजेशन है, ये साइट्स हैं इंडस की। क्योंकि तो सेकंड जो है वो महाजनपद का पीरियड है, जब मौर्यन एम्पायर आई है, या कह लीजिए बुद्ध का जो टाइम पीरियड था वो है जब सेकंड टाइम में अर्बनाइजेशन हुआ इंडिया का। तो ये फर्स्ट है और वो सेकेंड अर्बनाइजेशन है इंडिया का। तो जो फीचर्स हैं उसमें हम बात कर सकते हैं, सबसे पहला फीचर अर्बन सिविलाइजेशन, कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उसकी खासियत ये है कि वो एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करती थी, और वो कब है, करीब करीब हम कह सकते हैं अंदाजा 5,000 साल पहले आज से। जबकि जो इसके बाद की सिविलाइजेशन आई हैं, जिसको हम कहते हैं आर्यंस आए हैं, वैदिक एज जो आई है, वो जब आए हैं वो नोमैड्स थे, ग्रेजुअली वो अर्बनाइज्ड हुए। बट ये लोग जहाँ हमारी रिसर्च है वो यही कहते हैं कि अर्बनाइज लोग थे। सेकंड, फॉरेन ट्रेड किया करते थे, कि ये सिविलाइजेशन ऐसे जिसके दूसरी सिविलाइजेशन जो थी उनके साथ ट्रेड कॉन्टेक्ट थे। दूसरी उस टाइम दो सिविलाइजेशन हुआ करती, एक मेसोपोटामिया की, मेसोपोटामिया इराक का एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेसोपोटामिया कहते हैं जो पर्शिया और इराक का एरिया, और दूसरी थी इजिप्ट यानी कि मिस्र की जो सिविलाइजेशन है उसकी। तीसरा यहाँ पे क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, क्राफ्ट इंडस्ट्री हमें मिली है चनुदाड़ों में, जहाँ पे ये बीड्स बनाया करते थे, और वो बहुत अच्छे लेवल की, क्योंकि वो
जो सेमी प्रीशियस और प्रीशियस स्टोन है लाइक लैपिस लजूली, टर्कवाइज, एमेथिस्ट, उनके ये बीड्स बनाया करते हैं, और कई बार हमें गोल्ड के भी बीड्स मिले हैं। तो ये तभी पॉसिबल उनकी मेटलर्जी, उनका जो क्राफ्ट है उसमें स्पेशलाइजेशन हो। उसके अलावा जो सिटीज़ हैं इनकी हमें मिली हैं, अर्बन थे सिटीज़ मिली हैं, बट सबसे बड़ी बात है प्लैंड हैं, जो कि जो दूसरी सिविलाइजेशन थी कंटेम्प्रेरी, चाहे वो इजिप्ट थी या मेसोपोटामिया, वो भी प्लैंड नहीं थी। और ये जो इसकी प्लानिंग है वो बड़ी खास प्लानिंग थी कि ग्रिड प्लान थी, ऐसे पैरेलल्स थी सड़कें, जैसे आपने चंडीगढ़ देखा है, चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं वो सारी पैरेलल सड़कें हैं एक दूसरे के ग्रिड पैटर्न पे, यानी कि एक जो उसके रोड्स हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ के लोग थे लिटरेट थे, वो हमें कहाँ से पता लगता है कि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जबकि इसके बाद जो सिविलाइजेशन आई है आर्यंस, वो लोग इलिटरेट थे शुरू में। उसके अलावा रूल्ड बाय ट्रेडर्स, ये हमें नहीं पता लगा कि ये कौन लोग थे जो इसको चलाया करते थे, क्योंकि ना हमें किसी वहाँ पे किंग के रेफरेंस मिलता है, ना ही किसी प्रीस्ट का, क्योंकि जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वहाँ पर प्रीस्ट डोमिनेट किया करते थे, उनको प्रीस्ट रूल किया करते थे, बट यहाँ पे हमें इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात, किंग्स होगा तो आर्मी होगी, आर्मी होगी तो वेपन्स होंगे, और हमें कोई वेपन्स नहीं मिले हैं पूरी सिविलाइजेशन से। तो हिस्टोरियंस मानते हैं कि हो सकता है ट्रेड यहाँ पे फ्लरिश था, ट्रेड किया करते थे लोग, तो हो सकता है ट्रेडर्स इसको चलाया करते हों। जब हम फीचर्स की बात करें, हमने कहा अर्बन सिविलाइजेशन, तो वो क्या चीज़ें हैं कि जो इसको अर्बन बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वो फीचर्स बताइए, प्री में भी आ सकता है, क्योंकि आजकल जो है सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं, यूपीएससी कॉन्सेप्ट्स की तरफ भी ध्यान देती है। तो देखें आस्क कि वो फीचर्स बताए जो प्रूव करते हैं कि ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसमें हम बात कर सकते हैं इन पॉइंट्स की, कि अर्बन की खासियत क्या है, कि प्लान, गांव और शहर के बीच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है, जो गांव होते हैं वो प्लान नहीं होते हैं कभी भी, हैवजर्ड सी सेटलमेंट्स होती हैं, और जो शहर होंगे मजॉरिटी केसेस में वो प्लान होंगे, पहले उनकी प्लानिंग होती है तब उनको बसाया जाता है। और दूसरी जो चीज़ है वो थी यूनिफॉर्मिटी उनकी प्लानिंग में, कि जब उनकी खुदाई की गई, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्हुदाड़ो, ढोलावीरा, अलग अलग सेटलमेंट्स हैं, कि एक सेटलमेंट दूसरे कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर दूर है, जब उनकी एक्सकेविशंस की गई तो जो उनकी प्लानिंग थी वो हमें सेम नज़र आई। जो हड़प्पा की प्लानिंग है वही मोहनजोदाड़ो की प्लानिंग है। हड़प्पा है रावी नदी के किनारे, ब्यास सॉरी रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदाड़ो सिंध में है, और हड़प्पा पाकिस्तान का जो अपर पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर के पास वहाँ पे, तो करीब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और दोनों की प्लानिंग सेम है। इसी तरह जो ढोलावीरा यह गुजरात में है, और इसकी भी प्लानिंग वही है जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की है। अब तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर इनमें प्लानिंग सेम है, इसका मतलब कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो इनको कंट्रोल कर रही है, और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अर्बन फीचर की तरफ इंडिकेट। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी हमें बिल्डिंग्स मिली हैं यहाँ पे, हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बिल्डिंग्स मिली हैं, कुछ छोटी भी मिली हैं, कुछ बड़ी मिली हैं, और वो डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी हमें मिली हैं, तो वो इंडिकेट करता कि वो रिच लोग थे, अफ्लुएंट लोग क्लास थी जो लोग रहते थे वहाँ पे, तो उससे भी पता लगता कि ये लोग अर्बन थे। सबसे बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वो बर्न ब्रिक्स की बनी हुई है, जो आपको ये नज़र आता है गांव में, जो मकान होते हैं आज भी हमारे मिट्टी के बने होते हैं, कच्चे मकान होते हैं, उसमें थैच्ड रूफ्स के मकान होते हैं, बट ये उस टाइम की अगर हम बात करें 5,000 साल पहले, जो लोगों के मकान थे वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो ये भी एक अलग डिस्टिंक्शन है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है दूसरी सिविलाइजेशन से, और बताता है कि जो ये सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है कवर ड्रेनेज सिस्टम, कि जो इनका ड्रेनेज सिस्टम, दो चीज़ें हैं कि एक तो ड्रेनेज सिस्टम होना, दूसरा वो भी कवर्ड होना, और ये जो सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम था ये भी बर्न ब्रिक्स का बना हुआ था। आज भी अगर हम इंडिया में देखें तो मजॉरिटी जो ड्रेनेज सिस्टम है कवर्ड नहीं है, अंडरग्राउंड सिस्टम था इनका। हमारे यहाँ तो ओपन सिस्टम था, गाँव में जाइए खुले नदी नाले आपको नज़र आ जाएंगे, कि जो नाले हैं वो खुले, नालियाँ खुली हुई हैं, ढकी नहीं हुई हैं, बट इनका जो था वो अंडरग्राउंड हुआ करता, कि एक घर से जो आउटलेट होगा निकलेगा जहाँ से वेस्ट पानी, वो सारा एक बाहर जो स्ट्रीट है उसके नीचे एक अंडरग्राउंड हुआ करता, उसमें जाएगा और वो बाहर जाके नदी मिल जाएगा, तो एक प्रॉपर प्लान थी। तो ये भी हमें क्या समझाता है कि एक अर्बन थे। दूसरा
इंडस्ट्री का होना, इंडस्ट्री का होना सबसे बड़ी कह लीजिए इस चीज़ का एविडेंस है कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थे, क्योंकि गांव में इंडस्ट्री कभी नहीं होगी। गांव उसको कहते हैं, हमारी जो डेफिनेशन है गांव की यही है, जहां पर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हों। कितने कि करीब 75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हों, बट यहाँ पे जो लोग थे मेजोरिटी वो ट्रेड किया करते थे या उनकी इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट में इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जो जैसे मैंने बताया ट्रेड था, तो जो उनका ट्रेड था वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, यानी कि ये फॉरेन कंट्रीज, वो मैंने शुरू में आपके सब बताया कि ये मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन जो थी, क्योंकि लिटरेचर में जो उनका बाहर का लिटरेचर है उसमें रेफरेंस आता है दिलवम, मागन, मेलुआ, ये तीन नाम आते हैं, और ये बहरीन और जो उधर के एरियाज हैं गल्फ कंट्रीज़ के, उनके नाम हैं ये। तो उस रेफरेंस से हमें पता लगता कि जो उनका ट्रेड था वो उन कंट्रीज़ के साथ हुआ करता। उसके अलावा हमें कुछ सील्स मिली हैं जिस पे इम्प्रेशंस हैं शिप के। उसके अलावा हमें कुछ डॉकयार्ड्स मिले हैं लोथल में, लोथल में एक स्ट्रक्चर में जिसको देख के लगता है कि ये कभी पोर्ट हुआ पोर्ट रहा होगा। तो ये प्रूव करता कि ये लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड किया करते थे। जब ट्रेड होगा तो ये भी किस चीज़ का हमें फीचर नज़र आता है कि एक अर्बन फीचर नज़र आता है। अब एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 5,000 साल पहले है, अर्बन है, ये इतने सारे फीचर्स हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता कि ये लोग कहाँ से आए। कि प्लान सिटीज़ देख लीजिए कि ये प्लानिंग थी इन लोगों की, सिटीज़ आपको नज़र आ रहा है, कोई हैवजर्ड इसमें नहीं है, प्लान थी, प्लान सिटीज़ थी। ड्रेनेज मैंने आपको बताया, कवर ड्रेन, ऐसे ड्रेनेज हुआ करते कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, कि एक कवर ड्रेनेज है पक्की ईंटों का बना हुआ है और ये सारा इसमें जाके आउटलेट है इसका मिल जाता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये क्राफ्ट था जो उस टाइम बनाया करते थे। तो जैसा कि देख के इसको लग रहा कि पॉलिश है ये चीज़, इतनी शाइनिंग है इसमें। और उसके अलावा कि मैंने बताया लोग फॉरेन ट्रेड किया करते थे, ये है हमारा मेसोपोटामिया का एरिया, ये इजिप्ट सिविलाइजेशन, और यहाँ थी हमारी इंडस, तो इनका ट्रेड इस एरिया में और इधर हुआ करता था। उसके अलावा हमें कुछ फीचर्स मिले जिनसे, ये कुछ सील्स मिली हैं जिससे पता लगता है कि इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, और ये स्क्रिप्ट सबसे बड़ी बात अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए हम इसको प्रोटो हिस्ट्री कह रहे हैं ना, कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट सबसे बड़ी बात। दूसरा ये बॉस्ट्रोफिडोन थी, ये कि क्वेश्चन आता कि इनकी कैसी स्क्रिप्ट थी, इनकी बॉस्ट्रोफिडोन थी, पिक्टोग्राफिक एंड बॉस्ट्रोफिडोन। बॉस्ट्रोफिडोन हम उसको कहते हैं जहाँ पे जो हमारा राइटिंग स्टाइल है वो ऐसे होगा कि एक बार हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे और दूसरी बार राइट से लेफ्ट की तरफ, मीन्स ऑल्टरनेट लिखेंगे हम, एक बार लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो उसको हम बॉस्ट्रोफिडोन कहते हैं। और इसमें करीब 400 से 500 अल्फाबेट हुआ करते थे। और अगर एक आइडिया लें कि कैसा होगा, ऐसा जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की जो सिटीज़ थी वो ऐसी हुआ करती है। अब इसको देख के आपको थोड़ा सा लग जाएगा आइडिया कि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, कि जैसे मैंने आपको बताया अर्बन थी ये फीचर से। अब हिस्टोरियन के एक सवाल पैदा करते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्योंकि जो इसके बाद की सिविलाइजेशन है आर्यंस आए इंडिया में, और आर्यंस नोमैड्स थे। उसके अलावा ग्रेजुअली वो अर्बनाइज्ड हुए, बट ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन कल्चर जो हमें दिखता है, ये तो अर्बन ही दिखता है, हम अर्बन फीचर्स के डिस्कस करते हैं। तो अचानक से किसी अर्बन सिविलाइजेशन का आ जाना क्या इंडिकेट करता है, तो इस ये इंडिकेट करता है कि जो उनकी थ्योरी थी वो यही है कि ये लोग फॉरनर होंगे, इंडिया के लोग नहीं हो सकते। अगर यहाँ के होते तो ये पहले नोमैड्स होते, फिर यहाँ पे आके अर्बनाइज्ड होते, बट ये लोग तो पहले ही अर्बनाइज्ड हैं। तो जो थ्योरीज आई, दो थ्योरीज नज़र सामने आई, दो व्यूज़ थे। अब ये जो व्यूज़ हैं ये पुराने व्यूज़ हो चुके हैं थोड़े से, इसको ज़्यादा नहीं मानते हैं। वो व्यूज़ है फॉरनर्स का, कि ये फॉरनर्स थे। फॉरनर्स कैसे कहा गया कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया दो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन हैं जो कि अर्बन है, वहाँ के लोग इंडिया माइग्रेट करके, कि वो लोग यहाँ पे इंडस, मान लीजिए आपकी इंडस थी, इधर मेसोपोटामिया है, यहाँ के लोग यहाँ माइग्रेट कर, क्योंकि मेसोपोटामियंस जो थे अर्बन लोग थे, और वो अर्बन लोग यहाँ पे आके रहने लगे।
तो ये भी एक नई सेटलमेंट बस गई और वो ग्रेजुअली बड़ी होके एक सिविलाइजेशन बन गई। तो इस तरह से जो पुराने व्यूज थे वो ये कहा करते कि फॉरनर से वो इंडिया में किस सेटल हो गए और इंडिया में हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन सामने ही। बट इसके कुछ अगेंस्ट व्यू आए। वो अगेंस्ट व्यू क्या थे कि सबसे पहले जो थे, अगर हम बात करें प्लानिंग की, कि ये प्लैंड इंडस वैली के जो सिटीज़ हैं वो प्लैंड थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। बट जो मेसोपोटामिया की बात करें वो अनप्लैंड थे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि वो लोग वहाँ पे प्लानिंग करके रहते हैं, यहाँ पे आके उसको भूल जाएं, या वहाँ पे प्लानिंग ना हो उनकी, यहाँ पे आके प्लानिंग करने लगे। तो पहली बात तो यहाँ से सामने। दूसरा, स्क्रिप्ट। जो इंडस की स्क्रिप्ट है आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया गया, पढ़ा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया कि ये क्या लिखा है। आइडियाज़ ज़रूर लगाए गए हैं, कुछ जो स्कॉलर्स हैं उसको रिलेट करते हैं द्रविड़ियन लैंग्वेज के साथ कि ये द्रविड़ियन हो सकती है क्योंकि उसका कुछ कुछ रिजेंबलेंस है उसके साथ। बट जो मेसोपोटामिया है इसकी जो स्क्रिप्ट है वो डिसाइफर हो चुकी है, उसको तो पढ़ा जा चुका है, लिटरेचर सारा सामने आ चुका है। और उन्हीं लिटरेचर से हमें पता लगता है कि जो इंडस के लोग थे ये ट्रेड किया करते थे उन कंट्रीज के साथ। ये हो गया। उसके अलावा जो अगर रिलीजन की बात करें कि जो इंडस वैली है यहाँ पे हमें कोई टेंपल नहीं मिला है, और जबकि यहाँ पे मेसोपोटामिया, इजिप्ट हो गया, यहाँ पे टेंपल्स जो थे एक बहुत बड़ा रोल अदा किया करते थे, और इंडिया में हमारे इंडस में कोई टेंपल मिला ही नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि वो लोग वहाँ पे वर्शिप किया करते हों, वहाँ पे उनके गॉड्स हुआ करते हों, और जो उनको रूल कर किया करते वो भी प्रिस्ट थे। और यहाँ के क्या हुआ, वो सब खत्म हो गया, वैनिश हो गया, वो गॉड्स को भूल गए, उनका कोई गॉड नहीं है। जो गॉड यहाँ पे हमें नज़र आते हैं वो लाइक मदर गॉड्स, मदर गुडेस हमें मिलती हैं। उसके अलावा पशुपति शिवा, प्रोटोटाइप शिव है कि शिवलिंग की वर्शिप हो रही है उस टाइम में, बुल वर्शिप हो रही है। तो ये चीज़ें हमें मजबूर करती है इस चीज़ पे, इस थ्योरी को डिस्कार्ड करने पे। तो इस चीज़ को फिर डिस्कार्ड कर दिया गया कि ये लोग फॉरनर थे। जो फिर नई थ्योरीज आई, जो दूसरे व्यूज थे, वो ये हैं कि ये इंडियंस थे, यहाँ से ही जनरेट हुए और यहाँ से ही इवॉल्व होके इस लेवल तक पहुँचे। और वो कहाँ से हुए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो मेहरगढ़ था हमने उसमें डिस्कस किया, नियोलिथिक में 6000 BC कि वो फर्स्ट सेटल्ड विलेज है इंडिया का, या फर्स्ट विलेज इंडिया का जहां पे हमें सेटलमेंट नजर आती हैं। तो हिस्टोरियन ने इसी चीज़ को इलेबोरेट किया। हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इवॉल्व हुई है, और जो उसका ओरिजिन है वो इंडिया से ही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से ही है। तो उन्होंने इस साइट को लिया, मेहरगढ़ को। उन्होंने कहा कि एक साइट सामने आई कि मेहरगढ़, यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया 6000 BC में, और ये चीज़ डेवलप होते होते 3500 आते आते इस लेवल तक पहुंच गए। कैसे, कि पहले वहाँ एक साइट हुआ करती थी मेहरगढ़, फिर एक और साइट, फिर लोग पॉपुलेशन बढ़ती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, और लोग फैलते गए और अलग अलग हमें साइट्स नज़र आ, राणा गुंडई, नल, तो ऐसी साइट्स अलग अलग हमें नज़र आने लगी। और पॉपुलेशन बढ़ी तो ये सेटलमेंट्स बड़ी होती गई, और बड़ी होने के साथ साथ दो चीज़ें साथ हुई कि सेटलमेंट बढ़ रही हैं, और दूसरा इनकी टेक्नोलॉजी, ये पॉपुलेशन बढ़ी और दूसरी टेक्नोलॉजी बढ़ी। और इस टेक्नोलॉजी से इन्होंने क्या सीखा, अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड उसको बढ़ाया, और इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करनी शुरू की। तो जो हमें नज़र आने लगा, यहाँ तक हमें नज़र आने लगा कि हाउसेस नज़र आने लगे मड ब्रिक के, और जो कि 3500 तक, सॉरी 2500 तक आते आते वो बर्न ब्रिक्स के हाउस हो चुके थे।
बर्न्ड ब्रिक्स के हाउस हो चुके हैं, हमें वहाँ पे ग्रीनरी नज़र आने लगी जहाँ पे वो अपना स्टोर किया करते थे वीड्स, उसके अलावा हमें ब्रिक्स नज़र आने ब्रिक्स नज़र आ रही हैं, उसके अलावा हमें स्क्रिप्ट नज़र आ रही है उनकी, उसके अलावा हमें पॉटरी मिली और ट्रेड के एविडेंस मिले। तो स्कॉलर्स ने इन सभी चीज़ों को मिला के एक थ्योरी दी कि ये लोग यहाँ से ही इवॉल्व हुए और ये फेज़ वाइज हुए, कि जो फेज़ है 3500 से शुरू हुआ और 2500 तक डेवलप हुए और ये फेज़ चलता रहा कब तक, 1800 तक मेच्योर और उसके बाद डिक्लाइन होने होते होते 1500 जो BC है, 35 BC से 1500 BC तक ये फेज़ चला कि राइज हुए, मेच्योर हुए और मेच्योर फेज़ रहा, फिर डिक्लाइन हुए। तो जो सेकंड व्यू है वो यही कहता है कि ये लोग एबोरिजिनल्स थे, इंडियंस थे, यहाँ से आए हैं। अब क्वेश्चन अराइज, तो अगर ये यहाँ पे आए रहे तो कहाँ चले गए और क्या रीजन थे जिसकी वजह से सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई? तो चलिए अब उस पर गौर करते हैं थोड़ा सा। अब थ्योरीज दी हैं जो स्कॉलर्स हैं, उनमें सब स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरी दी है। तो जो यहाँ पे आपको थ्योरीज दिख रही है आर्यन की, आर्यन इन्वेजन, सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी, ये मॉर्टिमर वीरन दी है। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, थ्योरीज किसने दी और क्या थ्योरी है वो, क्योंकि प्री में सीधा क्वेश्चन बनता है मैच द फॉलोइंग थ्योरी की कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली और थ्योरी किसने की हुई, प्रोपाउंडेड द थ्योरी। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है ये व्हीलर ने दी थी, और इसका व्यू क्या था, यहाँ पे इसने कुछ एविडेंस नज़र आए और उस एविडेंस के बेसिस पे इसने क्या कहा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आर्यंस ने डिस्ट्रॉय कर दी। तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन हम कर सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में इसको कुछ स्केल्टन्स मिले थे। इसने एक चीज एनालाइज की, जो इंडस वैली के लोग थे वो डेथ के बाद लोगों को या तो बरी किया करते थे, उसको दफना दिया करते थे, जला दिया करते थे, बट उनको ऐसे नहीं फेंकते थे। अब इसको मोहनजोदाड़ो में एक स्ट्रीट में एक जगह स्केल्टन्स उसको पड़े हुए नजर आ रहे हैं, उसके भी और उन पे कुछ निशान हैं, घाव के निशान, कट मार्क्स लगे थे, यानी कि उन पे अटैक हुआ है किसी फॉरेन का, तभी ये लोग यहाँ पे मरे होंगे। तो उस बेसिस पे इसने क्या किया कि इन पे फर्स्ट की फॉरेन अटैक हुआ, दूसरा ऋग्वेद में उसको एक रेफरेंस समझ आया, ऋग्वेद में एक रेफरेंस आता है दसन राजन युद्ध का, जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। बैटल ऑफ 10 किंग्स जो आर्यन और नॉन आर्यन के बीच में हुई थी, और वहां पे एक रेफरेंस आता जगह का, उसमें लिखा था हरियूपिया। व्हीलर ने इसको मिलाया हड़प्पा के साथ, और एक रिवर का नाम आता है परुशनी, उसको मिलाया रावी के साथ, और क्योंकि रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा है तो उसने इसको मिलाया कि जो वो बैटल थी, वो बैटल जो रावी नदी के किनारे पे हुई है, यानी कि जो आर्यंस के बीच में, वो हड़प्पा में हुई है और ये इंडस वैली के लोगों के साथ हुई थी, और उस वजह से ये लोग डिस्ट्रॉय हो गए। बट यहाँ पे जो दूसरे स्कॉलर्स थे इसको डिस्कार्ड कर दिया गया थ्योरी को, रीज़न कि जो क्रिटिक्स क्या कहते हैं इसके बारे में, कि सबसे पहला कि जो आर्यंस थे, जो ऋग्वेद आया 1500 BC में आया, पर जो इंडस डिक्लाइन होनी शुरू हुई वो 1800 BC में डिक्लाइन होनी शुरू हुई है। तो ये 300 साल का जो गैप है वो फिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे 300 साल पहले इंडस डिक्लाइन होनी शुरू हो चुकी है, वो डिक्लाइन हो चुकी है, वहाँ से सेटलमेंट्स खाली हो चुकी थी, 300 साल बाद आर्यंस आए हैं, तो 300 साल क्या हुआ, तो इसका मतलब आर्यंस नहीं हो सकते, सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है। दूसरा कि सपोज कीजिए कीजिए कि ऐसा हुआ, मोहनजोदड़ो पे अटैक हुआ या हड़प्पा पे अटैक हुआ, तो इससे क्या प्रूव होता है कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के लोग, या कह लीजिए स्लॉटर हुआ, मैन स्लॉटर हुआ, वहाँ पे लोगों को मार दिया गया, बट जो दूसरी सेटलमेंट्स थी, चनहुदाड़ो थी, ढोलावीरा थी, वो सारी सेटलमेंट्स कैसे ख़त्म हुई, कि व्हीलर की थ्योरी सिर्फ एक सेटलमेंट के लिए अप्लीकेबल है कि एक सेटलमेंट कैसे डिस्ट्रॉय, बाकियों के लिए नहीं है ये, तो इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर नई थ्योरीज आई, और नई थ्योरीज में जो दूसरे स्कॉलर्स हैं
उन्होंने थ्योरीज को दिया। तो उसमें जो थ्योरीज थी वो ये थी कि जैसे आपको देख रही है अनस्टेबल रिवर सिस्टम, नेचुरल कैलामिटी, क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या था कि एक पॉन्डिंग थ्योरी दी कि रिवर जो सिस्टम था लैम्ब्री के अकॉर्डिंग वो स्टेबल नहीं था। और उस पर थोड़ा सा इलेबोरेट मैं करता हूँ आपको। कि लैम्ब्रिक ने कहा, और जो दूसरी पॉन्डिंग थ्योरी क्या कहती है कि ये रिवर थी इंडस और ये ओशन। कि इंडस रिवर यहां से फ्लो किया करती थी नीचे की तरफ ओशन की तरफ, इस एरिया में अपलिफ्टमेंट हुई और इसको ये एरिया राइज हो गया। तो उस वजह से क्या, जो पानी का फ्लो था वो रुक गया और यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया और ये एरिया सबमर्ज हो गया और यहाँ पे फ्लड्स आए और उस वजह से ये एरिया डूब गया। बट जो फ्लड्स के और हमें निशान मिले वो मोहनजोदड़ो में हमें नज़र आते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसे बन रहा है कि हमें जो फ्लड्स के एविडेंस हैं कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले हैं कि फ्लड्स आए और ये एरिया डिस्ट्रॉय हो गया। तो यहाँ पे भी स्कॉलर्स जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको, वो यही कहते हैं कि ये थ्योरी क्या हमें बता रही है कि मोहनजोदाड़ो कैसे ख़त्म हुआ और बाकी के बारे में नहीं, क्योंकि फ्लड्स हर जगह नहीं आए हैं। जो घग्गर के एरियाज थी वहाँ भी सेटलमेंट्स थी, जो रावी नदी के एरियाज हैं वहाँ भी सेटलमेंट्स हैं, तो वहाँ के जो एरियाज हैं वो कैसे डिस्ट्रॉय हैं ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और इसी तरह जो दूसरा एक थे मिस्टर सूद और अग्रवाल, इनकी थ्योरी क्या कहती है कि रिवर थी घग्गर जो आज शिवालिक से निकलती है और होते हुए जो राजस्थान के एरियाज हैं यहाँ पे गंगानगर वाले एरिया यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, मिल जाती है रेत में, पता लगता है कहाँ गई। पहले ये एरिया बड़े फ्लरिश हुआ करते थे और इसको घग्गर हाकरा बेल्ट कहते, तो यहाँ पे साइट्स हुआ करती थी इंडस की। अग्रवाल और सूद ने कहा कि ये जो एरियाज थे एरिडिटी इंक्रीज करना शुरू हुई और यहाँ पे ड्राइनेस आनी शुरू हुई, ये एरिया ड्राई हो गए और जो ये लोग थे इंडस के इनको क्या चाहिए, पानी। नदी किनारे रह रहे हैं, एग्रीकल्चर उन्होंने करना और एग्रीकल्चर के लिए चाहिए पानी, और क्योंकि अब नदी ड्राई होगी तो इसलिए ये लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो नहीं बताया गया, बस यहाँ से छोड़ के। तो इसके क्रिटिक्स कहते हैं कि जो सूद और अग्रवाल की थ्योरी है ये बताती है कि यस इंडस डिक्लाइन हो रही है, बट ये भी ये बताती है कि इस पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं घग्गर हाकरा बेल्ट के लोग वो डिक्लाइन हुए, कि वो माइग्रेट कर गए, बट पूरी सिविलाइजेशन को अभी तक किसी ने डिफाइन नहीं किया कि पूरी सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई। तो उसके बाद नई थ्योरी आई, वो नई थ्योरी है जो आपको नज़र आ रहा है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये थी डब्ल्यू फेयर सर्विस की। इसने एक नई चीज़ दी, नई रिसर्च के अकॉर्डिंग इसने देखा कि इसने बताया कि जो इंडस की पॉपुलेशन है वो बढ़नी शुरू हो चुकी थी, कि वो बढ़ती गई, बट जो इंडस की साइट्स हैं जो सेटलमेंट और जो रिसोर्सेज हैं वो उतने ही रहे, कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो उससे क्या होगा कि जो रिसोर्सेज हैं उस पर अब स्ट्रेन पड़ना शुरू हो जाएगा, अब वो उनकी कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और सेटलमेंट्स बढ़ेंगी तो जंगल काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे तो क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा कि फ्लड्स आएंगे, बारिश नहीं होगी, और उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा आगे दोबारा खेती पे, एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि वो उनको सस्टेन कर पाए। तो ये थ्योरी कहती है कि रिसोर्सेज पे स्ट्रेन पड़ने की वजह से जो लोग थे वहाँ से पूरी इंडस वैली के लोग बाहर माइग्रेट करना शुरू हो गए और वो माइग्रेट कर गए। और साथ में जो गुजरात का एरिया है उस पीरियड में वहाँ पे हमें साइट्स पॉपअप होती हुई नज़र आती हैं, कि काफ़ी सारी साइट्स अचानक से राइज हुई। तो हिस्टोरियंस कहते हैं कि अचानक से पॉपुलेशन का बढ़ना ये इंडिकेट करता है कि लोग किसी दूसरे एरिया से वहाँ पर माइग्रेट हुए हैं। तो फेयर सर्विस की जो डिक्लाइन थ्योरी है सबसे अच्छी है और ये अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन देती है कि इंडस कैसे डिक्लाइन हुई। बट जो रिसेंट थ्योरी जब आई है वो जैसे पॉशल ने एक रिसर्च किया और उसने कहा कि इंडस कभी डिक्लाइन नहीं हुई, ये आज भी कंटिन्यूटी फॉर्म में है
और उसने कुछ फीचर्स बताए वो कैसे है। उसने कहा कि पहले प्लान सिटीज़ हुआ करती थी कि आज भी हमारी प्लान सिटीज़ हैं, सिटीज़ प्लान करके बनाई जाते ग्रिड पैटर्न में। काफ़ी चंडीगढ़ देख लीजिए, प्लान सिटीज़ है अच्छी तरह ग्रिड पैटर्न पे, जैसे इंडस का था। बंड ब्रिक्स वो यूज़ करते थे, कहते आज बंड ब्रिक्स हम भी यूज़ करते हैं। उनका कवर ड्रेनेज सिस्टम उस वक्त था, तो आज भी हमारा भी कवर ड्रेनेज सिस्टम चलता है, काफ़ी जगह पर चलता है। उसके बाद वो बुल वर्शिप किया करते थे, आज भी बुल को एक सेक्रेट माना जाता है। वो शिवलिंग वर्शिप किया करते थे, शिवलिंग की वर्शिप आज भी होती है। उसके अलावा जो उनका वेट एंड मेजर सिस्टम था वो 16 के मल्टीपल पे था। तो उसने कहा कि हमारा वो देख लीजिए, इंडिया का जो करेंसी थी पुरानी, आने हुआ करते थे वो भी 16 के मल्टीपल पे, 16 आने, 50 आने क्यों नहीं 1 रुपये में होते, 16 आने। तो 16 का कॉन्सेप्ट क्या, कि ये कॉन्सेप्ट सब पुराना है। रिलीजन तो सारा कुछ, हमें जो कल्चर है सब नज़र कहाँ से आ रहा है। और जो वो लोग थे दिखने में अपीरेंस में कैसे थे, वो लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट थे, वो लोग काले से थे, शॉर्ट हाइटेड थे, जैसे नीग्रोज हुआ करते हैं। तो वो कहते हैं जो साउथ इंडियंस हैं कुछ कुछ ऐसे हुआ करते थे जो इंडस वैली के लोग हैं। तो ये वही लोग हैं, और आज हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी कंटिन्यूस फॉर्म में है। तो ये थ्योरीज दी गई थी। तो अब उसके अलावा आपको यहाँ कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक दो पॉइंट हम डिस्कस जरूर करेंगे कि जैसे कि इनकी इकोनॉमी कैसी थी वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। करेंसी हमें कोई नहीं मिली है, तो कोई कॉइन्स नहीं मिला है, कोई कॉइन्स ना मिला हम कहेंगे कि कोई करेंसी नहीं थी। इनका जो सिस्टम था वो बार्टर सिस्टम था, यानी कि ये एक्सचेंज किया करते थे चीज़ों को, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दिया करते थे। उसके अलावा एग्रीकल्चर भी किया करते थे, उसमें वीट, बार्ले, पी, ज्वार, रगी वगैरह ये उगाया करते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी किया करते थे, जैसे ऑक्सन, बफेलो, गॉड, शीप, ये नाम याद रख लीजिए, थोड़े से आइडिया रख लीजिए। उसके अलावा कि जो इनकी इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर इतना सरप्लस था कि वो इनको सपोर्ट करता था, उस वजह से लोग क्राफ्ट और ट्रेड दोनों कर सकते हैं। और हमें इंडस्ट्री मिली है, जैसे हमने डिस्कस किया चनू दाड़ों में हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्री मिली है, सुकूर में हमें स्टोन के टूल्स बनाने की फैक्ट्री मिली है। और उसके अलावा हमारे पास एविडेंस आता है कि ये फॉरेन ट्रेड किया करते थे, पर्शियन गल्फ यानी कि मेसोपोटामिया हो गया और इजिप्ट वाले एरियाज़ के साथ। अब अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर नहीं नज़र जिससे हम अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे रूल कौन किया करता था, क्योंकि कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में जो प्रीस्ट थे वो डोमिनेट किया करते थे, वहाँ पे प्रीस्ट कह लीजिए रूल किया करते थे। बट यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना तो टेम्पल मिला, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऐसा मिला जिससे हम कह पाएं कि यहाँ पे कोई किंग था या कोई प्रीस्ट रूल किया करते थे। तो हिस्टोरियंस का व्यू क्या है कि कॉमर्स में ये बिलीव करते थे, लोग ट्रेड किया करते थे, क्वाइट पॉसिबल कि ट्रेडर्स ही इसको एडमिनिस्टर करते हो, इसका जो प्रशासन है वो जो व्यापारी थे वो चलाते हों। उसके आगे रिलीजन, क्योंकि रिलीजन कुछ उस तरह का नहीं था जैसे फॉरेन में था। फॉरेन मेरा मतलब जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में था, जैसे कि मेसोपोटामिया और मैं इजिप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो अगर मेल गॉड की बात करें, वो पशुपति शिवा का नाम आता है, वो हमें कहाँ से पता लगे, सील मिली है जिस पर एक व्यक्ति बना हुआ, एक इंसान है जो उस पर डिपिक्ट किया कि उसके चारों तरफ कुछ एनिमल्स हैं, यानी कि वो उनका गॉड है, पशुपति है वो। और पशुपति हम किसके साथ लिंक करते हैं, शिव के साथ, तो इसलिए उसको प्रोटोटाइप शिवा भी कहा गया है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेटी है वो मदर की है, मदर गोडेस, देवीज हैं वहाँ पे हम कुछ। तो वो हमें कुछ टेराकोटा फिगराइंस मिली हैं, कुछ सील्स पे हमें इंस्क्राइब मिला है जिससे हमें लगता है कि मदर गोडेस की वैल्यू थी। उसके अलावा हमें कुछ फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए कि लोथल से मिले हैं, कालीबंगा और हड़प्पा से मिले हैं फायर ऑल्टर्स। तो कुछ यहाँ से थोड़ा सा लिंक बनता है इनका, जो आर्यन थे उस टाइम में फायर ऑल्टर्स यूज़ किया, यज्ञ के लिए यूज़ किया करते, वो यहाँ पे मिला है। उसके अलावा फर्टिलिटी कल्ट के वर्शिप किया करते, जिसमें फैलस वर्शिप जिसको हम कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा ये किया करते थे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन की पूजा किया करते। उसके अलावा कुछ मिथिकल एनिमल्स थे, जैसे यूनिकॉर्न है, कुछ मिथिकल दूसरे फिगर्स हैं कि आधा वो इंसान है आधा वो जानवर है, कुछ ऐसे फिगर्स की किया करते थे। और कुछ हमें एम्यूलेट्स मिलते हैं, कुछ तावीज़ वगैरह मिलते हैं, जिससे लगता है कि वो इनमें बिलीव किया करते थे, घोस्ट वगैरह में। यहाँ जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखिए। और जो सबसे ज़्यादा है कि ये जो नाम सामने आ रहे हैं आपके, कुछ सिटीज़ हैं वो देखिए जो दिख रहे हैं आपको,
कि सिटीज़ और वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स मिली हैं, कि ये क्वेश्चन इस तरह के प्री में भी आ सकते हैं, कि जैसे मैंने बताया डॉकयार्ड कहाँ पे मिला, लोथल पे मिला, हमने ये हमने बात की फायर ऑल्टर्स कहाँ पे मिले, लोथल में मिले, और हमने कहा स्केल्टन की स्केल्टन कहाँ पे मिले थे, वो भी मोहनजोदड़ो में मिले। तो इस तरह के क्वेश्चन, अब जैसे आपको दिख रहा है हड़प्पा की ग्रिड प्लानिंग में था, ग्रेनरीज मिली यहाँ पे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए और इनको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। बस हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, धोलावीरा। अगर कालीबंगा की बात करूँ मैं बात करूँ गंगानगर वाला जो एरिया हमारा राजस्थान का, वहाँ की बात करूँ, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका कि फरोड फील्ड कहाँ से मिला। एक हमें जगह मिली है जहाँ पे हल के निशान है, कि जो हल चलाने के बाद निशान बन जाते हैं वो निशान है, जिसको हम फरोड फील्ड बोल रहे हैं, तो वो कालीबंगा से मिले हैं। उसके अलावा धोलावीरा, धोलावीरा के बारे में ये बात है कि ये जो लार्जेस्ट है अगर इंडिया में कोई साइट इंडस की, वो तो वो धोलावीरा है, और वैसे भी मेजर साइट जो इंडस की उसमें से एक है, और ये लार्जेस्ट है, और इसलिए इस वजह से कि जो साइट्स थी वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ करती है, और ये तीन पार्ट में डिवाइड की हुई है। इसी तरह एक दो साइट्स और हैं जैसे लोथल, लोथल मैंने आपको बताया ये जो गल्फ ऑफ कैम्बे है गुजरात में है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे के पास थी, कोस्ट पे थी, और ये पोर्ट के लिए यूज़ हुआ करती है, उनका पोर्ट था लोथल, वहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिला है। और इसके अलावा आप देख लीजिए वहाँ पे क्या क्या जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसी तरह चनुदड़ो सिंधु नदी जो इंडस रिवर है उसके किनारे पर थी, और उसमें हमें एक तो सिटाडेल नहीं मिला है, कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशन नहीं थी, सिटाडेल नहीं था, उसके अलावा वहाँ पे फैक्ट्रियाँ मिली हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, और इतना इस चीज़ के लिए काफ़ी है। थैंक यू।